नवरात्रि पर यूपी सरकार के धार्मिक आयोजनों के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकार का फैसला भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात का उल्लंघन है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने रामनवमी मनाने के लिए राज्य के हर जिले को फंड देने का फैसला किया था, जिसके बाद से लगातार इस मामले में सियासत देखने को मिल रही है। ओवैसी ने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि आप टैक्स के रुपयों को किसी विशेष धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये बीजेपी का दोहरा मापदंड है। आगे कहा कि संविधान का अनुच्छेद 27 कहता है कि टैक्स के पैसों का इस्तेमाल किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए नहीं किया जा सकता। बीजेपी यूपी के मदरसा शिक्षकों को पिछले 5 साल से पैसा नहीं दे रही है और ये समान नागरिक संहिता की बात करती है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये उसका वायलेशन है। और दूसरा, एक आर्टिकल 27 जो हमारा संविधान का है, वो ये कहता है कि टैक्स मनी को प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पब्लिक फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं एक समुदाय के फेस्टिवल को प्रमोशन के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस में यह कहा था कि अगर कोई टैक्स रेवेन्यू इस्तेमाल होता है प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन, तो आर्टिकल 27 का वायलेशन है। अब आप इसको जक्स्टपोज करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अब कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लेकर आएगी? आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं और आप पैसे भी बांट रहे हैं। अरे भाई, आप सबको दीजिए ना पैसे। फिर अब रमजान चल रहा है, आप तो मदरसों के टीचर्स के पैसे नहीं दे रहे हैं पिछले 5 साल से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। तो ये बीजेपी की खुली हिपोक्रेसी है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है। गौरतलब है कि नवरात्रि से पहले यूपी सरकार के संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव ने 10 मार्च को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में उन्होंने चैत्र नवरात्रि के खास महत्व को देखते हुए सभी डीएम और कमिश्नरों को मंदिरों और शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती, देवी जागरण सहित 29 और 30 मार्च को शक्तिपीठों में अखंड रामायण का पाठ कराने को कहा। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से हर जिले को फंड मुहैया कराया गया है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।